वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन अबाउट कंजप्शन फंक्शन। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप वो पहले वो देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको कंजप्शन फंक्शन समझ नहीं आया तो सेविंग फंक्शन भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। सो आप पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके, बट उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि सेव क्या होता है, सेविंग मीन्स क्या होती है। सेविंग इज दैट अमाउंट विच कंज्यूमर डू नॉट स्पेंड ऑन इट्स कंजप्शन, इट्स कॉल्ड सेविंग। मीन जो इनकम होती है कंज्यूमर की, जो अर्न करता है वो, या तो वो दो चीज़ों में वो लगाते हैं, या तो कंज्यूम करते हैं या तो सेव करता है। तो सेविंग कॉन्स्टिट्यूट, इनकम कॉन्स्टिट्यूट कंजप्शन प्लस सेविंग। तो जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजप्शन भी इंक्रीज़ होता है, तो सेम वही है। अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो सेविंग भी इंक्रीज़ होती है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम और सेविंग में। तो इसमें जैसे कंजप्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में दो कॉन्सेप्ट थे, APC एंड MPC। वैसे यहाँ पे भी दो कॉन्सेप्ट हैं सेविंग फंक्शन में, APS एंड MPS, मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले हम समझते हैं APC क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड सेविंग, मीन्स कितनी इनकम है, अपने इनकम के अकॉर्डिंग कितना एक कंज्यूमर, कितनी एक फैमिली सेव कर रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है APS इज इक्वल टू S/Y। S मीन्स सेविंग, Y मीन्स इनकम। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज इनकम एक कंज्यूमर की 1000 करोड़ है और सेविंग वो 100 करोड़ की कर रहा है। सेविंग 100 करोड़ की है तो हम लोग क्या करेंगे, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन। 1000 मीन्स अगर हम लोग कंजप्शन निकाल लें तो उसका कंजप्शन कितना होगा। जब 1000 इनकम में 100 रुपीज़ सेव कर रहा है ऑब्वियसली, तो फिर कितना बचा, 900। तो वो 900 वो कंज्यूम कर रहा है। तो इस केस में APS होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1 S/Y। S इसमें कितना है, 100 सेव हो, 100 कर रहा है अपॉन इनकम उसके 1000। तो जो 0.1 सॉरी जो APS होगा वो 0.1 होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, इट्स अ रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल सेविंग टू चेंज इन इनकम, मीन्स इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज आया है। अब अगर जैसे कि एक कंज्यूमर की इनकम 1000 से 1100 हो गई है, तो ऑब्वियसली फिर वो सेव भी, पहले वो 1000 पे 100 रुपीज़ सेव कर रहा था, अब वो 1100 पे 120 कर रहा है। तो उसका MPS क्या होगा, 0.2 होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, MPS चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। देर इज अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड कंजप्शन प्रोपेंसिटीज। APC एंड APS मस्ट ऐड टू यूनिटी एंड सो मस्ट MPC एंड MPS। हम लोग थोड़ा सा निर्णय के लिए देखते हैं। जो एक कंज्यूमर की इनकम होती है, हमारी इनकम होती है या तो हम लोग कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। तो इनकम इज इक्वल टू क्या बना, C+S। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें इनकम से कंजप्शन और सेविंग को, तो इक्वेशन क्या बनेगी, C/Y + S/Y इज इक्वल टू Y/Y, Y+Y, Y। अगर हम लोग इसको Y और Y को कट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो APC और APS का जो सम अप होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा जस्ट। तो अगर हम लोग क्वेश्चन में अगर हम लोग APC दिया है और APS निकालना है, तो हम लोग 1 को हम लोग इधर ला के, इधर प्लस में है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस में आ जाएगा, और APC इक्वल टू 1 - APS ऐसे निकाल लेंगे। और अगर APS के बाद APS निकालना है तो 1 - APC। इसमें याद रखने वाली एक बात है कि जो APC और APS का सम अप है वो हमेशा 1 होता है। और वही बात कंजप्शन में जो चेंज आया है और सेविंग में चेंज आया है वो किसकी, इनकम में चेंज होने की वजह से होगा। तो यहाँ फिर से हम लोग MPC निकालने के लिए
फिर से हम लोग पहले हम लोग इनकम से डिवाइड कर देंगे, फिर से वाई अपॉन वाई आ जाएगा, इसका भी सम ऑफ वन आएगा, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन। और फिर एम पी सी निकालने के लिए वन माइनस एम पी एस, और एम पी एस निकालने के लिए वन माइनस एम पी सी। तो हम लोग इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफ पे सेविंग कैसे बनेगा। सेविंग हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में कंजप्शन और इनकम का रिलेशनशिप देख लिया था। अब हम लोग एज वी कैन सी है, जो एक्सेस वाई एक्सेस पे इनकम है, वाई पे कंजप्शन है, और जो इनकम लाइन है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है। और क्यों स्टार्ट हो रही है, हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। और जो कंजप्शन है वो ए से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अब सेविंग यहाँ पे हमारी कितनी कैसी होगी, तो हम लोग इसके लिए नीचे चलते हैं। इसके लिए एज यू कैन सी जो सेविंग लाइन है वो जीरो के भी नीचे से स्टार्ट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इनकम कंजप्शन से कम थी, जब जीरो थी, तो अब जब इनकम ही जीरो है तो सेव वो क्या करेगा, सेविंग उस टाइम पे नेगेटिव रहेगी, इसलिए वो जीरो के नीचे है। फिर वो जैसे जैसे इनकम अभी इंक्रीज हो रही है लेकिन कंजप्शन से कम है, तो सेविंग भी नेगेटिव ही है तब तक। उसके बाद फिर एट पॉइंट जी कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर आ गए, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पर कंजप्शन इनकम दोनों बराबर है, और इसी पॉइंट पे सेविंग से अब वो ज़ीरो हुई है, नेगेटिव नहीं है, अब यहाँ पे ज़ीरो है। अब इस पॉइंट के बाद इनकम कंजप्शन से ज़्यादा हो गई है, अब इनकम ज़्यादा हो गई, कंजप्शन कम हो गया, तो मीन्स उसकी सेविंग भी यहाँ से अब इंक्रीज हो गई है। सो आई होप आपको ये समझ आया हो क्या रिलेशन है इनकम कंजप्शन एंड सेविंग की। जो इन थ्री कुछ अजम्पशंस है इसी सेविंग फंक्शन के, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा इसको ग्राफिकली, सेम वही बात इसमें कही गई है। तो आप इसको चाहो तो रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले कर सकते हो आप लोग इसका। एक बार हम लोग शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जैसे सेविंग एस लाइन स्लोप्स अपवर्ड इंडिकेटिंग हायर इनकम लीड्स टू हायर अमाउंट ऑफ सेविंग, मीन्स जो एस थी, एस लाइन ये इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि पहले बिल्कुल भी नहीं, ये नेगेटिव थी, फिर जीरो हुई, फिर इंक्रीज, फिर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुई, तो ये इंक्रीज की तरफ हो रही है। लो लेवल से इनकम पर जो सेविंग नेगेटिव थी, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई सेविंग पॉजिटिव हो गई। और ब्रेक इवन पॉइंट पे जहाँ पे कंजप्शन इनकम बराबर था, वहाँ सेविंग जीरो थी। फिर सेकेंड असम्पशन क्या है, जो स्लोप ऑफ एस लाइन है, ये सेविंग लाइन है, वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम सेविंग लाइन एस डेट स्लोप पॉजिटिव बट लेस देन वन, मीन्स वन यहाँ पे इनकम है, सेविंग पॉजिटिव तो रहेगी लेकिन वन से रहेगी, क्योंकि हम लोग सब कुछ नहीं, सब कुछ सेव कर सकते, नहीं सब कुछ कंज्यूम करेंगे, तो हमेशा वन से हमेशा ही वन रहेगा और ग्रेटर देन जीरो रहेगा। और जो थर्ड और लास्ट प्रोपेंसिटी और कैरेक्टरिस्टिक और अजम्पशन है, वो ये है कि दैट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव जो सेव करना है, दैट इज़ ए पी एस इंक्रीज होगा विद एवरी इंक्रीज इन इनकम, मीन जो सेविंग है इंक्रीज होती जाएगी विद एवरी इंक्रीज इन इनकम। सो आई होप आपको ये समझ आए अच्छे से। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू गाइज अंडरस्टैंड इट, फाइंड इट यूजफुल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।